ओके नवीन दादा, अभी हम कुछी दीदी से पद सुनेंगे। हाँ जी, खुशी दीदी इस इनमें से कौन है? हाँ हाँ जी, ठीक जय सच्चिदानंद। है। देगर मासानु थे व्यवहार, जे झुकड़ो तो थे, जे गर मासानु तो थे नहीं, व्यवहार, उन लोग को गाने दो। जे आदि झुकड़ो ओके गाओ खुशी दीदी। जी जाते बताए आपने बहुत अच्छा कहा है गुजराती, और पद भी बहुत अच्छा आपने निकाला। इसका मालूम है कि ये किसने, पप्पा मम्मी ने बोला, किसने बोला? मैं सुबह पापा रोज पद लगाते हैं, तो एक बार ये पद लगाया था पापा ने, मुझे पसंद आया। ओके वेरी गुड। इसका मालूम पप्पा ने बताया, मीनिंग नहीं ये घर में सारो व्यवहार। वो मालूम है आपको क्या होता है? जो घर नहीं में अच्छा व्यवहार होता है, ये बहुत बढ़िया पद अपना तीनों बहनों के लिए है। तो नवीन दादा, थोड़ा बातें करो ये तीनों सिस्टर को, ये बढ़िया पद है उसके बारे में बात करो। नवीन हिंदी में दादा, करने का गुजराती में बोलने का। हिंदी में हिंदी। हाँ जी, तो हम सभी लोग, हमारा जो रहने का घर है ना, हाँ उनको घर समझते हैं, लेकिन दादा की परिभाषा में, कविराज की परिभाषा में, ये अपना जो बॉडी है वो घर है। एक घर में ऐसा व्यवहार होना चाहिए जैसे किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, वो व्यवहार को भगवान ने बढ़िया व्यवहार बताया गया है। बाद में शरीर कैसा भी हो, फिर भी अपना व्यवहार है तो ये अपना घर, क्या बोलते हैं, घर बहुत प्रकाशमान होता है। जैसे दादा भगवान थे, उनका भी बॉडी था, उनका भी ये घर था, लेकिन व्यवहार इतना बढ़िया था कि जैसे तीर्थंकर भगवानों का जो व्यवहार होता है, ऐसा ऐसा व्यवहार था। इसीलिए हम वो व्यवहार देखकर हम भी व्यवहार व्यवहार सीखे कि एक घर में से हमारा व्यवहार कैसा निकल रहा है, क्योंकि तो जैसे जैसे दूसरों को दुख हो जाते हैं ऐसा व्यवहार निकलता है, तो अंदर से हम माफी मांग लेते हैं। इसीलिए ये जो घर के अंदर हमें जो जो मिले हुए हैं, जो जो हमें घर में प्राप्त हुए हैं, सब हमने ही बीज बोया है, वो ही हमें मिले हुए हैं। इसीलिए जैसे हमारे खेत में हम खुद ने जो जो फसल बनाई हुई है, तो कि जो वो फसल को उसको पैर के नीचे दबा देने की जरूरत नहीं है,
पैर के नीचे आते हैं ना, इसको बटाऊ बोले, सु कहवाई छे बटा, कुचलना, कुचलना नीचे, कुचलना, कुचलना नीचे है। हाँ तो कुचलना बोलते हैं उनको, क्योंकि हम क्या करते हैं घर के लोगों को कि आप ऐसे कैसे मिले, ऐसे किसे मिले, लेकिन हमने ही बीज बोया हुआ है, इसीलिए घर में सभी लोग हमें मिले हुए हैं। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि किसी को दुख ना हो घर में, इस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए। बाद में उन्होंने पहली लिट्टी नहीं ली थी ना, दूसरी लिट्टी दी थी ना कुटुंब में, नहीं, वो बीच में नहीं था, ये जो ये उनके पास जो कॉपी है ना उसमें नहीं है ना। हाँ आपको समझा नहीं तो तो उन्होंने जो लिया वही समझाता हूँ। कुटुंब ने घर नहीं अपना, मतलब के ये घर है और पूरा हमारा परिवार है, वो अपना नहीं है। कुदरत ने हमें हमारे कर्म के हिसाब से ये हमारी नवीन रूपी दुकान जो दी है, वो कर्म पूरा करने के लिए दी गई है। तो उनका नाम खुशी है। हाँ उनका नाम खुशी है। मैं मेरा नाम बताऊं, मैं हाँ खुशी खुशी मिली तो मुझे नवीन को खुशी होती है, नवीन खुशी होती है, क्या होती है नवीन खुशी। क्योंकि जैसे हम कोई दुकान पर कोई चीज लेने जाते हैं तो हमारा संबंध कितना होता है कि जब तक हम कुछ चीज लेते हैं तब तक हमारा संबंध व्यापारी के साथ होता है, इस तरह हमें घर में भी जितना लेना देना है इतना हमारा संबंध होता है। इसलिए लेने का और देने का है ऐसा ही आप जानेंगे तब अपना कल्याण होगा। जैसे हम व्यापारी के पास जाते हैं, हम ग्राहक बन के जाते हैं तो कोई राग द्वेष नहीं करते हैं, जैसे हमें लेना है तो लेकर चले जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे पास नहीं है तो दूसरी दुकान पर जाते हैं। तो कि व्यापारी और ग्राहक का संबंध कैसा होता है, तो कि लेने देने का होता है। इस तरह हमारा भी लेने देने का संबंध एक घर में होता है। इसलिए हमें घर में कोई पसंद नहीं आता है ना तो हम उसको बाजू पर रख देते हैं। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं कि जो पुष्प है, फूल है, वो कोई ना वो निकाल देने जैसा नहीं है। जैसे उद्यान, बाग, बाग बोलते क्या बोलते हैं, बाग में बगीचा, बगीचा, बगीचा बोलते हैं, जिसमें फूल और फल जो होते हैं। एक घर में भी जो जो लोग हमें मिले हैं वो सब फूल है, फल है, इसलिए कोई निकाल देने जैसी चीज नहीं है। सब सबका अपनी अपनी ओर से महत्व होता है, तो सबको अपना महत्व देकर, माता जी है तो माता जी का महत्व देने का, पिताजी है तो पिताजी का, भाई है तो भाई का महत्व देकर हमें आगे बढ़ने का है। इसलिए सभी लोगों में क्या क्या खोज क्या है, क्या खोज खोज सु आवड़े छे ढूंढो ढूंढो। हाँ तो के हमें ये सभी लोगों के अंदर ढूंढना है कि किसी को कौन सी चीज अच्छी आती है, इस चीज उनके पास करवा लेने का है। और जो भी बाद में होता है इसमें हमें कंप्लेन हमारे होठों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो हमें मिलते हैं, जो जो संबंध है, जो जो चीज मिलती है, वो हमारी हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, वो ही मिलती है। इसलिए हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करके हमें जीवन जीना है। ठीक है, ये देखो एक दूसरा काम करना मोनिका दीदी, ये तो बहुत अच्छा बताया नवीन दादा ने। तो आप टाइम मिले तो, अभी तो एग्जाम कुछ चलती है तो सब साथ में बैठ के सुन ले का हो। हाँ। ओके, और कल एक्स्ट्रा होमवर्क आपके लिए खुशी। हाँ। जो आपको हाँ। ये नवीन दादा बोला ने करिश्मा और मोटी दीदी में क्या अच्छा लगता है वो लिख के भेजना, उसमें ये रिपोर्ट में लिखना। ओके करिश्मा आपको भी लिखने का, ये दोनों बड़ी दीदी को और मोनिका आपको भी लिखने का। ओके हाँ। एक्स्ट्रा होमवर्क का आपके सबके लिए। ओके तो कल के लिए हाँ। कंटिन्यू करेगा के सत्साधनों में क्या क्या आपका बैड क्वालिटीज है और आप अभी क्या करेंगे। ओके जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।